सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में जनविश्वास यात्रा किया। इस जनविश्वास यात्रा को लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला, जिसके कारण मात्र 10 दिनों के भीतर यह रैली सफल हुआ। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद लाखों लोग जुटे रहे, इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। स्वागत करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की गई, यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महारैली हम लोगों ने किया। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे, एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया। यादव ने कहा कि इस रैली के जरिए पूरे देश भर में संदेश गया कि हम लोगों का गठबंधन मजबूत है और आने वाले चुनाव में बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अपनी रैली को सफल बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 3 मार्च की रैली ऐतिहासिक रैली बन गई, आने वाले चुनाव में खींची गई लकीर के अनुसार ही होगा। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है, और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। जब हमारी सरकार थी तब हम लोगों ने बिहार में लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। 17 महीने में ही हमने हर विभाग में नौकरी दिया है। खेल के क्षेत्र से भी हमने मेडल लाने वाले को नौकरी दी है। पढ़ने वालों के साथ साथ हमने खेलने वाले को भी नौकरी दी है। सफलता के लिए, और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया, स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम। वहीं भाजपा पे बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ तलवार बांटने की और नफरत फैलाने का काम किया है, हमने सबके हाथ में कलम देने का काम किया है। वही तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया, और वही बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो, आखिर क्या वजह है, इतने महीने हो, 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है।
तो आखिर मामला क्या है? मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर रही, बजट आया है उस पर भी हमारे मंत्री का ही साइन है। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, देर देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे, तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। एक डेढ़ महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। होने वाले चुनाव के पूर्व सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हम लोग एनडीए से पहले सीट का बंटवारा कर लेंगे, जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है।